अब्दुल लतीफ जमील के ऊपर दो गाड़ियों पर रमजान ऑफर लगी हुई है और ये ऑफर रमजान के बाद भी जारी रहेगी। 0% डाउन पेमेंट, कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, किसी किस्म के इत्तफाकिया की जरूरत नहीं, लेकिन कितनी सैलरी हो वो भी कैश। कौन सी वो दो गाड़ियां हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। लो जी, आज एक गुड न्यूज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन लोगों की कैश सैलरी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और उनके पास इत्तफाकिया भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कफील के वर्के के ऊपर ब्रांड न्यू गाड़ी, वो भी बगैर डाउन पेमेंट पे हासिल कर सकते हैं। अब्दुल लतीफ जमील के ऊपर टोयोटा की रमजान ऑफर लगी हुई है, जो कि मैं कहूंगा बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है, और ये रमजान ऑफर रमजान के बाद भी जारी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ियों की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, इनके ऑप्शंस, इनकी ड्यूरेबिलिटी। पहली जो गाड़ी है वो है टोयोटा रेज। ये जो गाड़ी है टोयोटा रेज, ये गाड़ी 1.2 लीटर है, ठीक है। इस गाड़ी की खासियत ये है कि छोटा इंजन, 4 सिलेंडर, और ये तकरीबन मिनी एसयूवीज की कैटेगरी में आती है। मिनी एसयूवीज की मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि लो फ्यूल कंजप्शन, इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि इसकी लो फ्यूल कंजप्शन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। 16 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी जो है एवरेजली देती है, ठीक है, और ये गाड़ी अभी अभी मार्केट में उतरी है और इसकी लुक और इसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी वो काफी हद तक जो है सेटिस्फाइंग। क्योंकि टोयोटा अगर आप ले लेते हैं ना, टोयोटा का नाम मार्केट में बहुत, आप उसको चला के आप इतने दाम बेच सकते हैं कि जो कि आपको और किसी ब्रांड के नहीं मिलते। दूसरी जो गाड़ी है वो है टोयोटा करोला। टोयोटा करोला जिसको हम पाकिस्तान में XLi भी कहते हैं, ग्रैंडी भी कहते हैं, और शायद इसके और भी कोई नाम हो, लेकिन मेरे इलम में सिर्फ यही नाम है। तो अगर आप जो है सिडान लेने की ख्वाहिशमंद है, ठीक है, सिडान में इस टाइम टोयोटा पे जो ऑफर लगी हुई है वो है टोयोटा करोला की। टोयोटा करोला एक वंडरफुल गाड़ी है, एक रॉयल किस्म की गाड़ी मानी जाती है। उसकी सबसे पहली खास बात ये है। दूसरे नंबर पे ये बात उसकी आती है कि ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है, इंजन के लिहाज से अच्छी है, और SUV इसकी कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है, उसकी ये वजह, SUVs की कैटेगरी में नहीं आती, इसका स्पेयर पार्ट भी सस्ता है, और ये गाड़ी की एक बहुत ज्यादा रॉयल किस्म की लुक है जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। मार्केट प्राइस अच्छे हैं, गाड़ी की, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का हर चीज यानी कि बहुत सेटिस्फाइंग है। आपको टोयोटा लेने के बाद तो भूल जाता है बंदा कि कोई मेंटेनेंस करवानी है कि नहीं, सिर्फ ऑयल चेंज होता है और दैट्स इट, और यहाँ गाड़ी के टायर वगैरह चेंज होते रहते हैं, ब्रेकों के तो काम चलता रहता है, लेकिन टोयोटा लेके बंदा मैकेनिक को भूल जाता है पहले 2-4 साल के लिए। अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों की किश्तों की, तो टोयोटा रेस जो है ये हालिया दिनों में लॉन्च हुई है, इसकी किश्त अभी कम है, इसके प्राइसेस थोड़े से नीचे है, इसकी किश्त आ रही है 1350 रियाल, और जो टोयोटा करोला है वो है 1700 रियाल किश्त में। जो टोयोटा रेस की किश्त है 5 साल की, और इसका एंड पर जो डाउन लास्ट पेमेंट है वो है 27,000। अगर जिन लोगों के पास कैश पैसे नहीं है लास्ट पेमेंट के, तो उसको भी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और टोयोटा करोला की जो लास्ट पेमेंट है वो आ रही है 33,000 रियाल टोयोटा का लास्ट पेमेंट है, सॉरी करोला की लास्ट पेमेंट है, और रेस की 27 है। फैसला आपने करना है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सिंपल, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी टेंशन है कि आपको कफील से वर्का लेना है, वो भी ये लिखवा के जिसको खिताब तारीफ बोलते हैं,
आप इसके अंदर कम से कम जो है ना अपनी 4-5 हजार रियाल कैश रात में लिखवा लें, ठीक है। वॉर स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्का लिखवा लें, उस पर सैलरी की कोई डिमांड नहीं जो है शिरका कर रहा, आपको सैलरी की कोई टेंशन नहीं है, जितनी भी सैलरी आप लिखवा लेंगे, लेकिन 3,000 से ऊपर होनी चाहिए सैलरी आपकी। 3,000 से जो ऊपर सैलरी होगी वो आपको बेनिफिट है, लेकिन गाड़ियों की लगी हुई ऑफर इस दौरान वो आपसे डाउन पेमेंट नहीं लेंगे। तो ये 3,000 रुपये से ऊपर अगर आप सैलरी लिखवा लेते हैं तो आपको जो है वो बगैर डाउन पेमेंट के गाड़ी मिल जाएगी। 3,000 से कम टोयोटा एक्सेप्ट नहीं करता, रातिब जो है सैलरी 3,000 से कम नहीं एक्सेप्ट होती, भले कोई भी ऑफर हो, भले कोई भी प्रोफेशन हो, तो 3,000 से कम रातिब नहीं होनी चाहिए जिसकी भी। तो बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको ट्राई करें। जो बंदे गाड़ी लेना चाहते हैं वो टाइम जाया ना करें और जल्द से जल्द अपने करीबी अब्दुल लतीफ जमील से रब्ता करें। और इंशाल्लाह जो चीज मैं भूल गया मुझे अपने कमेंट में जरूर लिखना है कि ये चीज मैं मेंशन करना भूल गया हूं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा और मैं आपके सवालों का मुंतजर रहूंगा इंशाल्लाह ताला। अब अगली वीडियो में आपको स्पेशली टोयोटा फॉर्च्यूनर के ऊपर बना के दूंगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक रॉयल एसयूवीज में आ चुकी है, लैंड क्रूजर और प्राडो के बाद जो नाम फॉर्च्यूनर गाड़ी संभाल रही है ये अभी तक हमने नहीं देखा किसी में। हर कोई बंदा फॉर्च्यूनर बहुत पसंद कर रहा है, मुझे भी बहुत पसंद है फॉर्च्यूनर, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल व्लॉग बनाना चाहता हूं कि उसको डाउन पेमेंट के बगैर हासिल करने का कौन सा शॉर्टकट तरीका है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। रमजान का आखिरी अशरा है, ईद करीब है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं और ये रोजे और ये इबादतें कबूल अता फरमाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।